ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती ये यूसुफ़ मेरा बेटा बैठा है मैं कहूँगा कौन हो कहा से आए हो ये कहेगा अब्बा आप कौन हो कहा से आए हो भाई भाई को नहीं पहचानेगा माँ माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब نفسي نفسي آدم عليه السلام نفسي نفسي نوح نفسي نفسي إبراهيم عليه السلام نفسي نفسي إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف يونس عيسى موسى يوشع لوط شعيب صالح هود سار أنبيا نفسي 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 مرجان بچا मेरी जान बचा एक तरफ से एक आवाज आएगी एक आवाज आएगी उम्मती, उम्मती वाह यार रसूल अल्लाह हम आप पे कुर्बान जाए जिस दिन माँ नहीं पूछ रही नबी नहीं पूछ रहे बेटा नहीं पूछ रहा भाई नहीं पूछ रहा रब उम्मती उम्मती ये उम्मीती उम्मी या करेंगी आवाज है जो उम्मती उम्मती कह रहा है जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेगी तो वहां मेरे आपके जोली फैला के, के खड़े मेरी उम्मत को ये मेरी उम्मत को कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे जुए खेलते रहे जिना करते रहे सूद खाते रहे झूठ जूर बोलते चोरियां करते रहे डाके मारते है मेरी उम्मत को बचा ले मेरी उम्मत को तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे मौत पर रिश्ते टूट जाते मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे बचा ले तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे ईसा इस कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल लेकर मेरी जान मुझे मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा पांच बड़े रसूल हैं नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर मेरी जान बचा, और मेरा नहीं कहे या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले कौन सी उम्मत उन्हें सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया मेरा नबी कहता दफा हो जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों से तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया सब ये नहीं कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा नहीं या सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल यहाँ अल्लाह कहेगा माफी चाहता हूँ जज्बाती हो गया हूं। मेरे भाई बहनों मेरे बच्चों थोड़ी सी जिंदगी मिली है थोड़ी सी जिंदगी मिली है अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ जब आप बच जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते मैं उनकी खिदमत करता फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती चूंकि माँ को देखा है ना बाप को देखा नहीं है तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मसल्ले पे खड़े होके रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ नमाज फिर पढ़ा दूंगा अपने वालदेन की इज्जत करो यहाँ जब यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं अपनी माँ की दुआ लो अपने बाप की दुआ लो मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर मेरे बाद एक आदमी आएगा उसका नाम होगा अवैस और वो करण की शाख से होगा टाइम अच्छा अच्छा

तो बैठ गए फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ कर्न वाले खड़े रह जाओ तो एक आदमी खड़ा रहा कहा तुम करनी होगा जिया और वैस को जानते हो जी मेरे भाई का बेटा है लेकिन थोड़ा पागल सा है आप क्यों पूछ रहे हैं है उस उमर ने फरमाया वो नहीं तू पागल है किधर है कहा जो ऊंट चराने गया है उधर आरफात की तरफ तो आपने हज़रत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चल रहे थे तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी तो हजरत उमर ने पूछा कौन हो भाई कहा जी मैं मजदूर हूं का तेरा नाम क्या है काजी अल्लाह का बंदा कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को वो कहने का भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीर उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब तो वो ऐसे कांपने लगे मैं माफी चाहता हूँ मैं पहली दफा आया हूँ मैंने आपको देखा नहीं फरमाइए आप हजरत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ आकर तो वो रोने लगे आप नबी के सहाबी मैं आज इस मस्किन मैं दुआ करूं मेरी औकात है मैं दुआ करूं कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैसा है तो दुआ करवानी है उमर और अली जैसी हसीियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है पीछे तहजद है नहीं जिहाद है नहीं इल्म है नहीं नमाज है नहीं रोज़ा है नहीं जक़ात है नहीं खैरात है नहीं क्या है माँ की खिदमत माँ की खिदमत मां की खिदमत मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे अवैस चलेगा जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो बाकी अंदर चले जाओ तो अवैस करने डर जाएंगे कि अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नम में जा रहे होंगे ईमान वाले गुनागार मुसलमान तो मेरा अल्लाह कहेगा ओवैस अपनी उंगली को फेरता जा जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा ये माँ है सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है ये माँ है मेरे नबी ने फरमाया आप तेरा बाप तेरे जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा ये बाप का मकाम है फिर आप ने ग्यारह शादियां की क्यों की मा सुनो हदीस माता व मा जव्वशत इल्ला बे वाहन समा नजल का मेरे साथियों सुनो अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो मैंने की मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया तो इतनी शादियां क्यों की हैं हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए मेरी बात गौर से सुनो दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिंद और बीवी है सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खाविंद और बीवी है जब यह टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई आप घर में झाड़ू दे रहे हैं आप आटा गूँध रहे हैं आप हज़रत आयशा को लुकमें बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुनना हदीस तबरानी की आयशाउत आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिंद को दे खामिंद अपनी बीवी को दे हुन लिबासुल्लकुम तुम लिबासुल्लहुन तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिंद तेरा लिबास है आपने ग्यारह घरों को किस तरह आबाद किया किस मोहब्बत से किया कि दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं ये हुस्न सलूक ये मोहब्बत हजता हाँ, की उम्र थोड़ी थी जिहाद के सफर से वापसी हो रही तो आपने साहबा से कहा चले जाओ सारे आगे सारे आगे चले गए तो सिर्फ आप दोनों रह गए तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाए सुबह आयशा ने नहीं, नहीं कहा मेरे आयशा दौड़ लगाए तो जी लगाए तो कहने दौड़ लगाई कहने मैं आगे निकल गई आप पीछे आपने कहा आयशा दौड़ लगाए तो मैंने कहा जी लगाए कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी ही? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए मैं पीछे रह गई तो आपने कहा हाज ही बे तिलका आयशा तू मैं अब बराबर हो गए एक दौड़ तुमने जीती एक दौड़ मैंने जीती ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए और श, औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिंद को सजदा करे ताकि एक नस्ल तैयार हो एक नस्ल तैयार हो बैलेंस जिंदगी गुजारो मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं इम्बेलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है मेरे पास परसों तीस चालीस लोग आ गए वो यहां जो एक सलमा साहिबा हैं सलमा ही नाम है ना सलमा जाहिद तो एक ने कहा जी यहां हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें कोई हमें इसका सलूशन बताए मेरे को बहुत आसान है माँ अपने बच्चे को टाइम दे नसीहत की बात नहीं कर रहा हूं टाइम दे मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर में बैठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं इतने बड़े हस्ती इतने बड़े नबी और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन जैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है एक दफा आप सजदे में गए फर्ज नमाज फर्ज और सजदा लंबा इतना लंबा हुआ कि साहबा समझे अल्लाह के नबी फोत हो गए अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा अभी चक्कर की तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो मां बनो थानेदार ना बनो बाप बनो तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं तो मुझे देखना आपने यहां से ऐसे सजदा होता है ना तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए तो आपने सजदे में किया ये देख रहे हो वो पीछे पिछड़ गए जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया और जब नमाज से फारग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया कभी अभी हम व अम्मी लातू हु मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं इन्हें दुख ना पहुंचाना क्या आप देख रहे थे एक जहर में तड़प तड़प तड़ के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेजे पे चढ़ाया जाएगा आपको औलाद की मोहब्बत नबी जिस दिन आप जा रहे थे पीर ईसवी 6 जून आपने सारी बीवियों को बुलाया इतमान से मिले रुख्सत फरमा दिया फिर दामाद अली को बुलाया उनका सर अपनी गोद में रखे उनके कमर पे हाथ फेर ना फातमा को बुलाया उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूं वो रोने लगी करो रो नहीं तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी छह महीने बाद सिर्फ चौबीस साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ फिर आपने अली को बुलाया दुआ दी कब फिर हसन हुसैन को बुलाओ जो ही आपने उनको यूं लिया तब कैसे पानी की तरह आंसू बहने लगे इस तरह इस तरह कि आप आगे देख रहे थे के एक बच्चे का सर कट के नेजे पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है लेकिन आपने तकदीर अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए और जिबरी थोड़ी देर के बाद जिबरी लाए अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है अंदर आना चाहता है जहां मौत भी पूछ के आए उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा असलमैक्म या अल्लाह आपने कहा वाले सलाम का या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ मैंने नबियों की जानें निकाली नेकों की किसी को सलाम नहीं किया आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ या रसूल अल्लाह आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के तो अंदर जाना बगैर पूछे ना जाना आप पहली हस्ती हैं मेरे रब ने कहा आना चाहे तो ले आना रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना आपने फरमाया अगर मैं कहूं तो मेरी जान निकालोगे का जी निकालूंगा तो आपने जबरील को देखा आदमी यहां से सवाल करता है तू क्या कहता है जाऊं तो या ठहरू तो जबरील कहने के यार अल्लाह अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए आज सातों आसमान के फरिश्ते सुनो मेरी आखिरी बात है आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर उनके लिए हाथ नहीं उठाए आपने जबरीन से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा ये, ये जो हम बैठे हुए गुनाहों के दाग अपने कि मेरे महबूब हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम इधर टाइम भी खत्म हो चुका है मैं आखिरी बात कर रहा हूँ अगर उस वक्त मेरे नबी ई अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते दुआए दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर घटा गया एक रात आप भूख से रिलेटिव हुए ऐसे कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं करो हजरत आयशा के घर की बारी कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए यूं यूं झुक गए हजरत आयशा बेकरार हो के खड़ी हो बैठ के गए ये आप क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे थे मेदे को इकट्ठा कर रहे थे भूख की शिद्दत फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी आयशा भूख बड़ी लगी जिसके लिए कायन बनाए आए, आयशा भूख बड़ी लगी तो लगीशा रोने लगी या आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा आप क्यों। का मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए मैं भी इसी फाके में अपने रफ से मुलाकात करूंगा मेरे अजीजों मेरे बच्चों नौजवान बैठे हो बच्चियां बच्चे अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो आपके घर आबाद हो जाएंगे बर्दाश्त करना सीखो माफ करना सीखो अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो इस पासपोर्ट की इज्जत करो यहाँ के कानून का एहतराम करो यहाँ वायलेशन ना करो झूठ ना बोलो किसी को धोखा ना दो यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क्या तो मतलब काले मुंह के साथ उठाए जाओगे और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो टैक्स की चोरी मत करो ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं हैं लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है तो अल्लाह के वास्ते चोर ना बनो टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है तो यहाँ के कानून को औरों से ज़्यादा अच्छी तरह फॉलो करो दूसरा यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं सबको इज्जत दो सबको इज्जत दो उनकी खुशी में उनको मुबारक दो वो उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले हम दर्दी करने वाले हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं घूम रहे हैं मेंढक की तरह किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अख्लाक नहीं देखेंगे हमारी मोहब्बत नहीं देखेंगे हमारी खिदमत नहीं देखेंगे कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं चक्कर लगाया करो जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा कितने करने के काम हैं अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो पाकिस्तान में जायदादे ना बनाओ यहाँ अपना सब कुछ खर्च करो वहां कारोबार ना करो यहाँ कारोबार करो उधर ज़क़ात ना दो इधर जक़ात दो यहाँ भी बहुत जक़ात के मुस्तहिक लोग आपको मिलेंगे यहाँ खर्च करो